भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह और उनके दोस्त विकी सिंह ने एक यूट्यूबर को दी धमकी। तो क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। विकी सिंह और पवन सिंह, यानी कि पवन सिंह के दोस्त विकी सिंह और पवन सिंह ने एक यूट्यूबर महेश पांडे को धमकी दी है। जी हाँ, उनका आरोप है, यानी कि विकी सिंह और पवन सिंह का आरोप है कि इस यूट्यूबर ने लगातार पवन सिंह की छवि खराब की है। और तो और तकरीबन 7 से 8 महीने तक इसने लगातार पवन सिंह के खिलाफ वीडियो पोस्ट किए हैं। कोई भी उनकी मूवी आती है, कोई भी उनका वीडियो आता है, तो उस पर रिव्यू जो देता है वो पूरी तरह से बायर्स देता है। आपको तो पता ही है कि यूट्यूब पर को तो पता ही है किसी भी फिल्म और एल्बम का रिव्यू यूट्यूब पर क्या मायने रखता है। और अगर आपके सब्सक्राइबर बहुत अच्छे हैं और आप उस पर कुछ उल जलूल रिव्यू दे रहे हैं, तो किस तरह से आपका रिव्यू सामने वाले की करी कराई मेहनत पे पानी फेर सकता है। अब इस यूट्यूबर ने गलती मानते हुए ये कहा है कि वो पवन सिंह के किसी भी एल्बम और किसी भी फिल्म के गाने का रिव्यू नहीं करेगा, साथ ही साथ किसी भी फिल्म का रिव्यू नहीं करेगा, कुछ वीडियो नहीं बनाएगा उनके खिलाफ। हाँ, पवन सिंह उसे धमकी देते हुए नजर आए और कहा कि वो उसे देख लेंगे। फिर इतने पर बात कट गई है, जो कि आगे क्या हुआ ये पता नहीं चल सका। अगर आप इस कॉल रिकॉर्डिंग को सुनेंगे तो यहाँ आपको पवन सिंह का तेवर बड़ा ही गर्म लगेगा। साथ ही साथ विकी सिंह ने ये भी कहा है कि वो जल्द से जल्द कानूनी कार्रवाई करेंगे इस यूट्यूबर के खिलाफ, ताकि वो कुछ न कुछ ऐसा निदान निकाल सके कि यूट्यूब पे जिस तरह से बायस रिव्यू दिए जा रहे हैं, उस तरह से किसी के खिलाफ बायस रिव्यू न दिए जाए। क्योंकि एक स्टार की पूरी मेहनत होती है, एक गाना, एक एल्बम, एक फिल्म, और इस तरह से बायस रिव्यू देना गलत बात है। साथ ही साथ विकी सिंह ने यह भी कहा, हद पार हो जाने के बाद ही हमने उसे धमकी दी है। विकी सिंह ने यहाँ ये आरोप लगाया कि उस यूट्यूबर ने ये कहा है कि पवन सिंह के जो एल्बम हैं, जो फिल्म हैं, जितनी भी चीज़ें पवन सिंह के यूट्यूब पर रिलीज़ होती हैं, उसे पवन सिंह पैसा देकर खरीदते हैं, व्यूज़ पैसा देकर खरीदते हैं। इसलिए पवन सिंह का व्यूज़ आगे तो बढ़ता है, यानी कि जब रिलीज़ होता है, यानी कि जब एल्बम रिलीज़ होता है तब तो व्यूज़ आता है, लेकिन उसके बाद पवन सिंह का व्यूज़ क्यों नहीं आता है। तो इन सारी बातों को लेकर उस यूट्यूबर ने बहुत कुछ कहा था। और विकी सिंह और पवन सिंह का ये कहना है कि ये लगातार 7 से 8 महीने तक ऐसा करता आ रहा है, जिसमें वो अक्षरा और पवन की जो विवाद हुआ था उसे भी इन लोगों ने मेंशन किया है। उनका कहना है कि उसमें भी उसने एक तरफा ही बात बताई थी और अक्षरा सिंह को सही बताया था, पवन सिंह को गलत बताया था। साथ ही साथ ये यूट्यूबर लगातार खेसारी पर ही वीडियो बनाता है और इसमें लगातार वो पवन सिंह को गलत साबित करता है। भले ही वो खेसारी पे वीडियो भी बनाए, लेकिन बात उसमें वो पवन सिंह की ही करता है और पवन सिंह को गलत ठहराता है। तो देखिए क्या होता है इस यूट्यूबर का, किस तरह से कानूनी कार्रवाई की जाती है। क्योंकि यहाँ विकी सिंह ने ये कह दिया है कि वो जल्द से जल्द कानूनी कार्रवाई करेंगे, ताकि इस यूट्यूबर को सज़ा मिल सके। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।